साल गाड़ी ने दिया है 3.2 किलोमीटर 100 ml में, तो इनटू 10 से करते हैं तो 32 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज दिया है अभी भाई, 30 का एवरेज दे रही है फिलहाल। अगर इसको हम 60-65 तक भी चलाते हैं तो वही हमारे को 30 का माइलेज दे रही है अभी गाड़ी। सिलेंडर हेड कार्बोरेटर और स्पीड का है, बाकी सब मैंने गियरबैक्स और साइड कवर इंजन कवर के, और ये जो आप देख रहे हो एग्जॉस्ट साइलेंसर कैट साइलेंसर है, ये 5 स्पीड का है, ये नया ही पिस्टन डलवाया है इसमें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आप सब कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों देखिए हमारी RXZ बाइक खड़ी है और इसका आज हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, ये 1 लीटर में कितना एवरेज देती है। और पिछली वीडियो में हमने बताया था RX 135 के बारे में कि हमारी जो RX 635 है वो कितना एवरेज देती है, तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन और क्या क्या पार्ट्स न्यू डलवाया था, तो देखते हैं। तो भाई देखिए इसमें हमने चेंजेस करवाए थे, RXZ 4 स्पीड बाइक है और पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है सारा कुछ कि इसमें गियर बॉक्स लेके एग्जॉस्ट साइड कवर सारा कुछ चेंज करा रखा है और मैंने डिस्क ब्रेक भी चेंज करवाया था। सिलेंडर हेड कार्बोरेटर 4 स्पीड का है, बाकी सब मैंने गियर बॉक्स और साइड कवर इंजन कवर के, और ये जो आप देख रहे हो एग्जॉस्ट साइलेंसर कैट साइलेंसर है, ये 5 स्पीड का डाल रखा है। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये 1 लीटर में कितना एवरेज देती है, और इसका जो पिस्टन है मैंने भाई अभी कम से कम 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर बाइक चली है, तो अभी ये कितना माइलेज देगी इसका हम देखते हैं। ये नया ही पिस्टन डलवाया है इसमें, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इसका जो कार्बोरेटर में जितना भी पेट्रोल होगा उसको ख़त्म कर लेते हैं चला के, और उसके बाद में हम माइलेज टेस्ट करेंगे। तो भाई ये देख लिए हम थोड़ी दूर आए हैं और हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, और यहाँ से हम गाड़ी का माइलेज सेट करेंगे। पहले आप रीडिंग देख लीजिए कितनी हो रही है, 13203, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। और जो यहाँ पर ये 3 है ये 300 मीटर है और वो 13202 किलोमीटर हो रहा है। अब यहाँ से देखते हैं ये मतलब 100 ml में 100 ml में कितना चलती है, उसका मल्टीपल कर देंगे 10 से और इसका 1 लीटर का माइलेज निकल के आ जाएगा। तो पिछली गाड़ी में हमने जैसे माइलेज टेस्ट किया था उसी की तरह हमने ये बोतल भर ली है 100 ml की, और जो कार्बोरेटर का जो पेट्रोल था वो भी हमने फिनिश कर लिया है। तो यहाँ से इसको हम अपनी बोतल को अटैच करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए हम अभी रोड पर सीधे गाड़ी को लेकर निकल चुके हैं और देखते हैं हमारी गाड़ी 100 ml में कितना चलती है। तो वीडियो को एंड तक, तो भाई आप वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो लाल वाला बटन है उसको दबाओ, उसके बगल में घंटी है, घंटी पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑन करो, और ऐसे ही हम आपको नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो आगे देखते हैं, और स्पीड हम मेंटेन करेंगे 40 से 50 के बीच में रखेंगे।
तो भाई देखिए, हमारी गाड़ी हो चुकी है बंद और अभी हम मीटर की रीडिंग देखते हैं ये कितना चली है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये देखो दोस्तों, 13,202.3 से चली थी, अभी 13,205.5 है। मतलब कैलकुलेट कर लो आप, जो यहाँ पे 3 था वहाँ से 200 मीटर ऊपर पहुँची है और यहाँ पे 3 किलोमीटर चल गई 2 से 5 तक, 3.2, मतलब 100 ml में 3.2 किलोमीटर चली है भाई। वो भी मतलब ये गाड़ी का पिस्टन चेंज है, सब कुछ इंजन हमने कराया है अभी नया, और ज़्यादा से ज़्यादा इंजन कराए हुए 500 किलोमीटर हुआ है, क्योंकि अभी ज़्यादा चली नहीं है। जब तक 1000 किलोमीटर नहीं चलेगी, जब तक रियल माइलेज नहीं आएगा, उस जब इतना हमारी गाड़ी चल जाएगी उसके बाद में मैं आपको माइलेज टेस्ट करके बताऊँगा। फिलहाल गाड़ी ने दिया है 3.2 किलोमीटर 100 ml में, तो इंटू 10 से करते हैं तो 32 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसने कैलकुलेट कर लो, 30 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज दिया है अभी भाई, 30 का एवरेज दे रही है फिलहाल। अगर इसको हम 60-65 तक भी चलाते हैं तो वही हमारे को 30 का माइलेज दे रही है अभी गाड़ी। तो भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है, जो भी हमारे चैनल पर नया है, तो चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, हमारी माइलेज टेस्ट की वीडियो कैसी लगी आपको? तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।